जलंधर के विधिपुर इलाके के रहने वाले डॉक्टर परिवार के तीन बच्चे यूक्रेन तो वापस आ चुके ने। अपने बच्चों की वापसी से जिथे परिवार वाले ने खुशी जाहिर की है, तेना विद्यार्थियों ने वापस आके यूक्रेन में आ रही दिक्कतों बारे दसिया। बस 24 को एडवाइजरी आई थी कि मतलब सेफ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि तुम फिर चले ही जाओ, पर अगर तुम जाना चाहते हो तो वो हम ऑनलाइन कर देंगे, उन्होंने ये कहा था। तो अगर आप इंडिया में चले गए तो ऑनलाइन आपका चलेगा। भारत में बात करें तो भारत में भी डॉक्टरी की पढ़ाई है, तो यूक्रेन में क्यों जा रहे ज़्यादा बच्चे? क्योंकि यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव है, वो जो चीज़ यहाँ पर 1.5-2 करोड़ में होगी वो 60-70 मैक्सिमम 6 सालों में टोटल इतने में हो जाएगी। बोलते थे बाहर मत जाना, अंदर ही रहना, जितना हो सके उतना अवॉइड करना बाहर जाना। जहाँ पर आप पहुँचे क्या वहाँ आस पास बमबारी या कोई ब्लास्ट वगैरह ऐसी चीजें हुई? हाँ जी, एक दिन ही हुई है बस, क्योंकि हम लोग एक रात हम उठे, 26 की रात थी आई थिंक, वो हम 27 को उठे तो फिर हमें पता चला कि 10 किलोमीटर की दूरी पे एक रिवर है हमारे, तो उस पे उन्होंने एयर स्ट्राइक की थी, बस एक ही वही हुआ, उसके बाद तो नहीं हुआ। ये भी सुनने को आया कि खाने पीने की चीजें खत्म होने लगी, कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? होने तो लगी थी, क्योंकि वहाँ के जो लोकल्स थे वो इकट्ठा कर रहे थे अपने लिए, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि हमें कुछ भी ना मिले, उन्होंने हमारे लिए भी स्टॉक छोड़ा, हमें भी दिया खाने के लिए, क्योंकि वो कहते उनका ऐसा था कि सबको मिल जाए कुछ कुछ खाने के लिए। बस यही था कि टेम्परेचर माइनस में था, बहुत ठंड थी, बहुत स्नोफॉल भी हो रही थी एक टाइम पे आके, तो हम मतलब चल के जाना पड़ा हमें थोड़ा सा बॉर्डर क्रॉस करते वक्त, तो फिर बट आगे जाते ही हमें रोमानिया के एनजीओ थे, उन्होंने वहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ अवेलेबल किया हमारे लिए।